जी वेलकम बैक टू मॉर्निंग मसाला। और रुखसाना नूर साहिबा से गुफ्तगू चल रही थी, 65% जो टैक्स खत्म कर दिया उसके बाद की जो सूरत हाल है, आपने तो सारे भेद खोल दिए हैं। बिल्कुल भेद खोलने चाहिए, इसलिए कि आप सस्ती रोटी के, देखें ये प्लान्स होते हैं हुकूमतों के कि कहाँ से उन्होंने रेवेन्यू इकट्ठा करना है और कहाँ आपने तरक्याती काम करने हैं। रेवेन्यू कहाँ से इकट्ठा करने है आपने बिल्कुल नहीं सोचा। आपने गरीब को 2 रुपए की रोटी में ऐसा वो आपने 11 अरब उड़ा दिया है, उससे बेहतर 11 अरब की तो आप गरीबों के लिए कोई, आप उनको कर्जे दे देते, उनको बिजनेस लगवा देते, उनको कुछ करवा देते। क्या किया आपने 11 अरब रुपए उस पे, तो आपने सस्ती रोटी पे कर दिया। अब ये है आपको इधर से रेवेन्यू आने हैं। आप अगर फिर एक और भी इनको सजेशन दी फिल्म वालों ने कि आप ऐसे करें, ये जो ये रिश्वतखोरी का बाजार को ख़त्म करें और डायरेक्ट आप जो है हर प्रिंट पे, हर फिल्म पे स्टेट, वो अगर टैक्स नहीं लेना तो 10 लाख आप एक फिल्म पे कर दें। अच्छा, वो सीधा हुकूमत के उसमें जाए। हाँ। अगर 10 फिल्में आती हैं तो 1 करोड़ हो जाता है। और इसी तरह आप ये जो ऊपर के आमदनी ले रहे हैं आप इसी इंडस्ट्री को दें, लोन दें। आपके अपने पल्ले से तो नहीं जा रहा, आपने तो वो लोगों से लिया है 10-10 लाख पर फिल्म टैक्स लगा के, और आप उसी का अलग एक मद रख दें और उसी में से आप जो है प्रोड्यूसर को, जो पाकिस्तानी प्रोड्यूसर है वो तो 1.5 करोड़ में फिल्म बना लेते हैं। अगर आप 50 लाख उसको निशुल अमाउंट दे देंगे, 50 लाख को जो है मार्केट से इकट्ठा कर लेगा और वो एक अच्छी अच्छा मुझे बनाएगा। ये बात बताएं कि ये अजीब सी बात है वैसे कि आप वो इंडियन और इंग्लिश मूवीज पे टैक्स आपने इतना उनको फायदा पहुंचा रहे हैं, उनको फायदा पहुंचा रहे हैं, अपने जो लोग हैं बेचारे उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। इंडस्ट्री के हालात आप देखें, और जबकि उससे कितने कम पैसों में इतनी अच्छी मूवी तैयार हो सकती है, यहाँ पे तो हालात ठीक नहीं है, क्यों कुछ नहीं कर रहे? कलर लैब नहीं लगाते, अब के हर कोई खुद लगाए। सही है, कैसे मुमकिन है? या हम लोग इंडिया जाए सही पोस्ट प्रोडक्शन के लिए, या हम लोग बैंकों, जमशेद जफर साहब ये कहते हैं 40-45 मेरे ख्याल से करोड़ का खर्चा है, जो सारे इक्विपमेंट वगैरह सारी चीजें अगर आ जाए तो फिर ये कि वो उनको पे ऑफ करते रहेंगे और वो कितना जबरदस्त सिस्टम है। ये इतना ज्यादा महंगा खर्चा नहीं है, ये इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन सिर्फ ये है कि एक श्योर होना चाहिए कि ये क्या रोज नई बात। आप एक जुबान हिलाने से तो आप एक कानून बदल देते हैं। आप जुबान हिलती है, टैक्स लग गया टैक्स उतार दिया, टैक्स लग गया टैक्स उतार दिया, आज गैस इतनी महंगी होगी, आज इतनी महंगी होगी, आपकी जुबान हिलती है। उसके लिए आपको कुछ नहीं पार्लियामेंट में जाना पड़ता, आपको नुमाइंदगान से कुछ नहीं, कोई बिल ही नहीं करना पड़ता। आप तो ऐसे, ये तो कोई पता नहीं क्या, कौन चला रहा है ये, कौन है बस चल रहा है। लेकिन इसमें जो मैं समझती हूँ अब इतना ये अक्सर ये बहुत ज़्यादा हो गया है, हुकूमत पे क्रिटिसिज्म, लोगों पे क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए इन पे असर नहीं होता। जैसे कहते हैं ना, एक बच्चा होता है डीट होता है, उसको बहुत मारे तो वो डीट हो जाता है, फर्क ही नहीं पड़ता, उसे फर्क ही नहीं पड़ता। ये डीट हो गए हुए, इनको बड़े प्यार से समझाना पड़ेगा। और बल्कि जो जमहूरियत हम कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं, उसमें भी हमें देखना पड़ेगा कि उन लोगों को जिनको अपने ही नहीं पता है कि हम कहाँ हैं, हमारा मुल्क का सदर क्या है, वजीर आला कौन है, उनको हम लोग मुल्क की किस्मत बनाने के लिए एक पर्ची पकड़ा देते हैं। तो जिसको अपना नाम, जिनको गरीबों का दर्द और तकलीफ का पता ही नहीं होता, जिन्होंने कभी देखे ही नहीं होते, फाके नहीं किए होते, जो मिडिल क्लास से नहीं आए हुए होते, जो ऑलरेडी इतने पैसे वाले होते हैं, उनको तकलीफ का एहसास कैसे होगा? और गरीब बंदा उसको अपना सही बात है वोट दे रहा होता है, जिनको एहसास ही नहीं है, गरीब बंदा अपना आका उसको बना लेता है और फिर गुलामों की तरह सारी बिल्कुल। ये तो बदकिस्मती है। हमारे साथ कॉलर है। अच्छा जी, अच्छा मुझे आप एक बात बताया, इतना जबरदस्त वो गेम शो था हिप हिप हो रहे, टीवी प्रोडक्शंस आप करती रही हैं, आप क्यों नहीं कर रही हैं? वो क्या कमाल शो होता था उस वक्त। सीधी सी बात है जी, पैसे मिलते थे, अब पैसे नहीं प्रॉपर मिलते। सही बात है। अब ये है कोई आइडिया आप देते हैं किसी चैनल को, चोरी करना, चोरी क्या करना है, चोरी भी बड़े हो जाते हैं वो अपने आप वो खुद से शुरू कर देते हैं। सही बात। बल्कि आपके चैनल से तो हमारी बात चल रही थी, ताहिर खान सीमा जी ने बात की थी, तो अभी मेरा ख्याल है वो हम लोग दोबारा आपके चैनल के साथ शुरू, इंशाल्लाह जबरदस्त जरूर, मतलब उस तरह के वाकई जो है। मैं जब आज कल ही अपने बच्चों को बता रही थी तो आप यकीन करें, हालांकि अच्छे बच्चे हैं और उनके पास अवेलेबल है, इतने से बॉक्स में सारी दुनिया, नेट है, सारा कुछ है,
मैंने कहा कि सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहला गेम शो मैंने शुरू किया था, एनटीएम था, ताहिर खान साहब उस वक्त एनटीएम चला रहे थे, तो एनटीएम में ताजदार आदिल साहब के साथ, ताजदार आलम के साथ, तो हिप्पी पूरे मैंने शुरू किया था। उस वक्त इंडिया का कोई चैनल इधर नहीं आता था, जी ये वो कुछ भी नहीं, तो मेरे बच्चों ने ना हंसना शुरू कर दिया, नहीं 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 जी वो इंडिया का एक मिनट आता था। मैंने कहा नहीं बेटा वो इंडिया का एक मिनट हिप्पी पूरे के बाद आया। कहते माँ क्या बात कर रही, मतलब वो उनको वो कह के नहीं नहीं हम लोग ही उधर से। मैंने कहा नहीं आप जाए ना, आप नेट पे जाए, आप सर्च करें सही कि कौन सा पहले है गेम। बड़ा अच्छा अच्छा काम होता है इंडिया ने, तो बाद में अब ड्रामे हमारे देख लें तो उनका कोई मुकाबला नहीं। कॉलर हमारे साथ, कॉलर ना भाग जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? जी शहराज बात कर रहा हूँ, फैसलाबाद से। जी कैसे मिजाज है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र है आपकी बात सुनी। सूर्य टीवी के हम बैठ जाते हैं सुबह उठ के। अच्छा, मुश्किलों से कॉल मिलती है। सही, चले मिल तो गई ना, अल्लाह का शुक्र है कॉल आपकी। आप प्रोग्राम के लिए तो उठते हैं, उसके बाद हम फिर सो जाते हैं। अच्छा, बड़ी मेहरबानी आपकी यार। और तो क्या कहें, मैं मैम से बात करना चाह रहा था कि ये जो जितनी भी मेरे ख्याल है कि शायरी है पाकिस्तान से इंडिया जा रही है, उनके सॉन्ग अगर हम सुन लें तो बार बार सुनने को दिल करता है। अगर वो सॉन्ग अगर पाकिस्तान में फरमाया जाए या सुनाया जाए तो उसको मेरा ख्याल एक मरतबा सुन ले दोबारा सुनने को दिल नहीं करता। इसकी रीजन क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता, या शायद इनको पता हो। सेकंड वन ने इन्होंने कहा था कि मूवीज मेरा ख्याल है कि अगर हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर भी किए हुए किसी ने, तो मेरा ख्याल है रूटीन में अभी भी हमारे यहाँ सिटी में फैसलाबाद में काफी मूवीज इंडियन लगी हुई है, लाहौर में चले जाए लाहौर में भी लगी हुई है। बिल्कुल, तो ठीक, बहुत शुक्रिया शिराज कॉल करने के लिए। अच्छा जी, अच्छा ये बात है, अच्छा मुझे वाकई एक बात बताएं, मजेदार क्वेश्चन था वैसे शिराज का, इसको मैं जवाब दूंगी, है ना। आप पहले आप मुझे ये बताएं कि बहुत सारे ऐसे गाने हैं जैसे कदी ते हस बोल, मतलब वो जब वहां पे जाए, कदी तो हस बोल इधर ही अच्छा लगा है, और मैं वो जो मुन्नी बदनाम हुई उसकी, हाँ मुन्नी बदनाम हुई, बड़े गाने हैं वहां जाके वो हिट हो जाते हैं तो हमें पता चलता है तुम्हारे बंदे ने गाया। असल में दो चीजें हैं बहुत अहम है हमारा होते, पहले तो आप किसी गाने की ट्यून धुन जिसको हम कहते हैं वो बनाते हैं, फिर इसको कंपोज करते हैं। इसका जो कंपोज क्या होता है कि आप उसके धुन के मुताबिक उसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स डालते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और उसकी जगह बनाते हैं, उसके इंटरवल्स बनाते हैं, और उसमें उस से मैच करती हुई उससे अच्छी आवाज़ जो उसको इन्हेंस करे वो करते हैं। जब गाना बन गया, तैयार हो गया, मैंने गाना बना के जेब में रख लिया तो मशहूर तो नहीं होगा। सही बात है। अगर आप गाना जो है आप अपने चैनल्स को नहीं देते, आप अपने देखिए गाना वो आपका, कई दफ़ा आप इंडिया के भी गाने सुनती होंगे तो आप कहते हैं क्या फजूल गाने, लेकिन आप इतनी तेजी से जल्दी जल्दी सुन रहे होते हैं कि आपकी ज़बान पे ये मुन्नी बदनाम हुई जैसा गंदा गाना चल रहा है, इतना गंदा गाना है मुझे तो कभी पसंद नहीं आया। तो वो ये मैं कहना चाहती हूँ कि जब तक आप उसको ये देखें, ये चीज़ें जो होती हैं शो बिज शो, ये शो करवाने वाली चीज़ें हैं, इसको दिखाना पड़ता है, इसको सुनवाना पड़ता है, और जब आप सुनवाएंगे नहीं तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, रचेगा नहीं। अब मैं समझती हूँ कि नूर साहब वाहिद हैं जो फिल्म उनकी लगने से पहले वो अपने रेडियो पे या मुख्तलिफ चैनल्स पे अपना गाना दे देते हैं। अब तो हमारे टीवी चैनल्स तो ये हैं कि वो पाकिस्तानी कोई चीज़ फिल्म से रिलेटेड प्रोडक्ट सॉरी टू से वो लेना ही नहीं चाहते। आप देखें आपकी कोई चीज़ बुरी है आप उसको रद्द ना करें, आप मिक्स एंड मैच करें, आपका